मेरा सादर प्रणाम। आज 14 सितंबर है, आप जानते हैं इस दिन की क्या विशेषता है। आज है हिंदी दिवस। भारत भर में आज हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों क्यों हिंदी दिवस है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। आज स्वतंत्रता के बाद यानी 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में लागू किया गया, तो लेकिन उस दिन से नहीं, 1953 से लेकर इस दिवस को सभी लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में उस दिन से ही लागू किया गया। तो संविधान ने एक ऐसा सोचा कि इस हिंदी का प्रचार सारे देश भर में करना है, सारे लोग उसे जानना है, जाने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए उस दिन से यानी 1953 से लेकर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आप जानते हैं हिंदी की क्या विशेषता है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं। देखिए कि हिंदी जो भाषा है वो हिंदी जो मातृभाषा के रूप में या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उधर ही बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। अब विश्व भर में कहीं भी किधर भी जाए एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो हिंदी जरूर बोलता है। हिंदी एक अनूठी भाषा है जिसमें बहुत सारे साहित्य रचे गए हैं। हिंदी में बहुत सारे कथाएं कविताएं सब आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी दिवस एक पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। सभी कार्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदी भाषा को और प्रोत्साहन देने के लिए ये मनाते हैं। कैसे मनाते हैं कि बच्चों को कविताएं कथाएं निबंध आदि सब लिखने को प्रोत्साहित किए जाते हैं। तो हिंदी एक अनूठी भाषा है और एक बहुत ही प्यारी भाषा है। तो मैं और मेरी सारी अध्यापिकाओं की तरफ से आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। हिंदी मेरी शान है, हिंदी ही पहचान, हिंदी हमारा गर्व है, हिंदी ही अभिमान। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुलपति मुंशी बंस विद्यार्थियों की एक छोटी सी पेशकश। भारत माँ के बाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हो, मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हो। नमस्कार, मेरा नाम मेधा है। आज हिंदी दिवस है और क्या आपको देखने हैं कि उसको कैसे मनाया है। जी हाँ, पहले ही हमारे साथ है इनेश नायर उसकी एक भाषण के साथ। नमस्ते, मेरा नाम इनेश है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं यहाँ हमारे राष्ट्रभाषा के बारे में एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भाषा एक ऐसा सरिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक स्वतंत्र देश के उसकी स्वयं की एक भाषा होती है जो उसका गर्व और मान सम्मान होती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। फरवरी 2019 में अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा की मान्यता मिली। हिंदी सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती, बल्कि वह लोगों को जोड़कर रखने का काम भी करती है।
मुझे एक हिंदी भाषी होने पर गर्व है। धन्यवाद। हिंदी में निहित हमारी संस्कार। गणेश नायर की भाषण की बात अवंतिका बिजू उसके एक गान के साथ आ रही है, चलिए देखते हैं। वारी वारी जाहू मैं हिंदी पिवारी, हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। हमारी देश की भावना है। अब हम देखेंगे आयुष मेनन और बद्रा के दोनों की पोस्टर मेकिंग्स। हिंदी बहुत सरल और सुबोध है। आइए चले देखते हैं गौतम शंकर की एक कविता। हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभिषेक मिश्रा का एक कविता आज आपके सामने पेश करता हूँ। जन जन की भाषा हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत दागा है हिंदी। हिंदुस्तान का गौरव गाता है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाता है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद तम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। अब हमारे साथ बद्रा सी आ रही है संकेत के एक उपकरण पियानो में गान सुनाने के लिए। Thank you.
और इसके अंत में हमें देखने को मिलती है श्री नंदना, वैलेंटीना, वैष्णवी, श्री लक्ष्मी और अनुश्री की एक नृत्य आविष्कार। हमारी वीडियो यहाँ खत्म हो रही है और आजकल हमारी कई हिंदी शब्द प्रचलन से हट रहे हैं और हमें ऐसे हरगिज़ नहीं होने देना है, हमें हिंदी का ही उपयोग करने हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वारी वारी है, हम है हिंदुस्तानी।
भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों में जो घुसे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। चारों वेदों के पन्नों में जो घुसे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है, हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। गंगा सी पावन का जिसमें है शिखरों समान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। गंगा सी पावन का जिसमें है शिखरों समान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है, हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। अवसर पर सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शब्द प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कहा जाता है भाषा जितनी उदार होगी उतनी ही लोकप्रिय होगी। हिंदी उदार भाषा के साथ साथ एक वैज्ञानिक भाषा भी है। दुनिया के लगभग 615 मिलियन लोग हिंदी भाषी है, जिसकी वजह से हिंदी दुनिया के तीसरे सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी केवल राजभाषा ही नहीं, अभी तो यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव के प्रतीक है। राजभाषा हिंदी हमें भावनात्मक एकता के सूत्र में पिरोती है। इसकी वजह से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आइए इस हिंदी दिवस पर हिंदी भाषा के संरक्षण का संकल्प लें। आप सबको हिंदी दिवस के बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हिंदी एक भाषा है, आशा भरी नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश की माटी की बिंदी है। धन्यवाद।